झज्जर में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने मनोहर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की मियाद पूरी हो चुकी है, चुनाव बाद जनता उनको प्रदेश से बाहर कर देगी। इसके साथ ही उन्होंने महागठबंधन की अटकलों को हवा देते हुए कहा कि साफ छवि के लोगों से हाथ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि कोई, ये तो आजादी है सबकी, आप भी कुछ कह सकते हो, आप भी यहाँ खड़े होकर गठबंधन बना सकते हो। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है और कोई जवाब नहीं। मैं इतना कहूँगा कि राजनीति है, राजनीति में समान विचार के लोगों को एक मत एक राय होना चाहिए। 1970 और 1989 का इतिहास इस बात का गवाह है, तो क्यों ना 2019 के अंदर भी ऐसा कुछ हो। हम इस बात के पक्षधर लोग हैं, मगर फिर मैं कहूँगा सोशलिस्ट सेक्युलर लोग एक साथ आए, उसमें कौन कौन होंगे ये तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। हरियाणा में चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुट चुकी है। जनता को अपने पाले में लाने के लिए पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव में जनता किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधती है। R9 TV के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।